अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस लड़की ने अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल किया कि आप कहते हैं कि राधा का हमारे भगवान कृष्ण से शादी हुई थी या विवाह हुआ था, तो अनिरुद्ध आचार्य ने इस लड़की को क्या जवाब दिया। आइए हम उनकी जबानी सुनते हैं और उसके बाद डॉक्टर जाकर नायक का बयान भी सुनते हैं। जी गुरुजी, जैसा आपने बताया है कि कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था, हमने शुरू से आपका सुना है, हम वही मानते हैं, आपको हमारा गुरु बना रखा है हमने, तो हमारे पास में एक भागवत कथा हुई थी, हमने दूसरी पहली बार उन्हीं की सुनी है, तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। हमने उन्हें कहा कि हमारे गुरु जी ने हमें बताया है कि इस जगह विवाह हुआ है, तो उन्होंने कहा कि राम राम, आप मतलब ऐसे शब्द मत बोलिए क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमें सारी जितने भी विवाह हुए उनके 16,800, तो उन्होंने हमें सारे नाम बताए और उन्होंने कहा कि गुड़िया देखिए, इसमें आप किसी में भी मतलब राधा का नाम नहीं है, रुक्मणी का विवाह हुआ था पर राधा का नाम कहीं भी नहीं है। तो अब हम उनको बोलना आप यहाँ से गर्ग संगीता खरीद के ले जाना। गर्ग संगीता में अध्याय नंबर 4, 4 अध्याय में चौथे अध्याय में गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी कौन, भगवान श्री कृष्ण के गुरु। गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं, विवाह हुआ, अध्याय नंबर 4 खोल के दिखा देना जी, क्या है भागवत जी, बस आप पढ़ लेंगे, अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं होगा। एक ग्रंथ को समझ पढ़ने के लिए सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों चीजें देखनी पड़ती हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उनके और 12 ग्रंथ और पढ़ने पड़ेंगे, तब रामचरितमानस समझ में आएगी। रामचरितमानस को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीजें, कुछ प्रश्नों का उत्तर वहाँ है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। तो एक ग्रंथ पढ़ के सर्वज्ञात नहीं हो सकता व्यक्ति, सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कि जैसे वंशी वट जो आपने बताया है, भांडिर वट, वहाँ पे विवाह हुआ था, वो कहते हैं कि वहाँ उनका विवाह नहीं हुआ था, वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे, तो वहाँ कोई बात नहीं बेटा। देखो हमें अपनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए, जो हमारे शास्त्र कहते हैं ना वो सर्व सत्य है। आप गर्गाचार्य गर्ग संहिता लेके जाना, 100 रुपए में मिल जाएगी, 100-125 की और कम की ही बल्कि, और उसमें 4 अध्याय पे देख लेना, स्पष्ट लिखा है श्लोक के साथ, उनको दिखाना, कभी फोटो भेज देना, उनको देख लीजिए आप। सबसे पहले माननीय रोशनलाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7-8 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी, कृपा आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते हैं मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिबे इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं वेद का भी, महाभारत रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है, और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की, ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, किसी भी धर्म में किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं जवाब देते हैं उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते हैं शंकराचार्य कहते हैं उसकी वैल्यू जीरो है, मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में उसकी वैल्यू जीरो है, मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,108 पहले थे तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए तो उस हालत में, तो ये इल्जाम नहीं हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने भी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तलावत की और एक संस्कृत की तलावत की, और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मजाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है,
जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोक याद आने लगे और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्होंने सही कहा कि हिंदू मजहब ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया, अंग्रेजों ने दिया, ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म, ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया, हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में उन्होंने नाम हिंदू दिया, और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581 उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया, तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म, और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना अगर आप पढ़ेंगे छंदों के उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 उसमें लिखा गया है एकम एवदित्यम, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, श्वेता श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कश्चित् जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है ना कोई वालदेन है, उसका ना कोई पालने वाला है ना वालिद है ना वालदा है, आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसके जैसा कोई भी नहीं है, और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और चार वेद है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्थि, उसका ना कोई अक्ष है ना कोई बुत है ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है, और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्थे, अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असम्मुति की पूजा करते हैं, असम्मुति मतलब कुदरती चीजें हवा आग पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं, और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग सम्भूति की पूजा करते हैं, सम्भूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल चेयर गाड़ी बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं, और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्रवहुदा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है, और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है, और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते आदि पढ़ी पूरी है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है, ये पूरा ब्रह्म सूत्र है, वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, ये हो गया पहले पाठ कलमा का ला इलाहा इल्लल्लाह ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दीगर मजाहिब की किताबों में खुसूसन हिंदुइज्म के, और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्हें भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5-8 उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे, आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा सच्चा धर्म को फैलाएगा, और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे सिर पे शेंड नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये सच्चाई फैलाएंगे उनका नाम है मुसलमान, ऐसे कई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्य पुराना में है ऋग्वेद में है सामवेद में है अथर्ववेद में है, और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल्कि पुराना, और कल्कि पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15 जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18-25 18-25 तक जिसमें कल्कि पुराना का जिक्र है, कलयुग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल्कि, उनके वालदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु व्यास, सुमति के मानिए अमन
अमन करने वाली, और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना, जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले, और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लम के आने का जिक्र बल्कि पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूं मैं 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लम का जिक्र हिंदू मजाहिब की किताबों में, अभी वक्त नहीं है। लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और मैं भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पे अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया है उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे, वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लम के बारे में, और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही जवाब।